ओके गाइस, तो मेरे को मिल चुका भाई ट्रेडिंग सेंटर। ओके तो फाइनली गाइस, वो टक्कर मारने वाली गोट मेरे को मिल गई है भाई। तो हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक और नए एपिसोड में माइनक्राफ्ट 1.17 ऑल ऑफ फैब्रिक 4 के। मजा आया। तो कैसे यार आप सभी लोग, आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो यार गाइस, रात हो गई है, तो सबसे पहले तो भाई सोना ही पड़ेगा अपने को। गुड नाइट बॉयज, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो। ओके गाइस, तो यार देखो, जैसे कि भाई आप लोगों को पता है कि भाई ये रूम हमारा बिल्कुल खाली पड़ा है, मतलब ना तो यहाँ पे चेस्टों में कुछ है। और व्हाट, अबे भाई ये कहाँ, ये कहाँ से आ गया भाई। हद है यार, मतलब कहीं से भी टपक जाएगा ये। ओके और हाँ, ये भी हमारा खाली है भाई। आज हम थोड़ा सा भाई इंचेंटमेंट की तरफ जाएंगे, अगर जा पाए तो, क्योंकि आज हमें और भी चीजें बनानी है भाई। तो भाई मैंने थोड़ा सा ऑफलाइन माइनिंग की थी, तो मैंने यहाँ पे भाई थोड़ा रॉ टिन और भाई सिल्वर लीड और थोड़ा आयरन वगैरह किया था, तो इनको हम मेल्ट कर लेते हैं। तो भाई मेल्ट करने के लिए भाई एज ऑलवेज अपने फर्नेस का यूज़ करेंगे। वैसे यार मेरे को ना एक अच्छा सा ब्लास्ट फर्नेस या फिर कुछ उससे भी तगड़ी चीज़ बना लेनी चाहिए। वैसे मैं देखता हूँ क्या इसमें फर्नेस है कुछ अलग तरीके का। तो इसमें काफ़ी तरीके के फर्नेस है भाई, जिसमें एक हमारा फेवरेट ब्लास्ट फर्नेस भी है, और उसके अलावा भाई इसमें इलेक्ट्रिक फर्नेस की फर्नेस भी है। बट ये इलेक्ट्रिक फर्नेस यार, मतलब ओए ये क्या है, ब्लास्ट फर्नेस इनहेंसर अलॉय द इलेक्ट्रिक फर्नेस टू एक्सेप्ट ब्लास्ट फर्नेस रेसिपी। ओ ये कुछ अलग है भाई। तो भैया अभी इलेक्ट्रिक फर्नेस तो हम नहीं बना सकते, तो हम सिंपल वाला ही फर्नेस बनाएंगे, जिसके लिए स्मूथ स्टोन और एक नॉर्मल फर्नेस और भाई 5 आयरन इनगट चाहिए। तो 5 आयरन इनगट, 3, 4, 5। और उसके अलावा भाई मैंने स्मूथ स्टोन भी बना करके रखे थे, ये रहे 3 स्मूथ स्टोन। और एक सिंपल फर्नेस के लिए मुझे 8 चाहिए होगा। ठीक है, तो सारा ही सामान मेरे पास आ गया है। तो अभी मैं बनाने वाला हूँ एक फर्नेस, और इसको बीच में रखो, इसको यहाँ रखो और इसको ऐसे घुमा दो, तो बन जाएगा ब्लास्ट फर्नेस। यस बॉयज, अभी भाई इसको हम ऑटोमेटिक तो करेंगे नहीं, बट हाँ ये हमारा भाई एक तरह से फर्नेस बन गया है, जिसमें हमारे बहुत सारे और जो है वो स्मेल्ट हो जाएंगे। तो अभी अपन इसमें टिन कर लेते हैं, क्योंकि टिन की अभी अपने को जरूरत पड़ने वाली है भाई। नोप। तो ये तो मुझे देख करके बहुत ज्यादा शौक लगा कि इसके अंदर जो टिन है वो मेल्ट नहीं हो रहा भाई। क्यों, क्या टिन क्या मुझे नॉर्मल फर्नेस में करना पड़ेगा। तो इसमें शायद से कॉपर और आयरन ही होगा स्मेल्ट। यस, तो भाई ये वनीला वाला है, तो इसमें वनीला वाले ही चीज़ें मेल्ट होंगे, बाकी ये थोड़े जल्दी स्मेल्ट हो रहे हैं, वो बात ठीक है भाई। तो मतलब मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे आयरन तो यहाँ से निकाल देना चाहिए, इसमें डाल देना चाहिए। आयरन तो हो रहा है ना, हाँ आयरन हो रहा है इसके अंदर। यस, और ये सिल्वर, मतलब सिल्वर नहीं, अभी मुझे सिल्वर की ज़रूरत नहीं है भाई। हाँ ये टिन की मुझे ज़रूरत है, तो ये टिन में ऊपर वाले में कर लेता हूँ। यस चलो, कम से कम टिन तो हो रहा है ऊपर वाले में, बाकी बाद में देखेंगे। और गाइस मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ ये एंडर पर्ल, और 2 ले लेता हूँ फ्लिंट एंड स्टील। ठीक है भाई, और ये मैं क्यों ले रहा हूँ गाइस, इनसे एक चीज़ बनती है जिसको बोलते हैं एबसी वॉचर। तो ये एबसी वॉचर है, ये मैं बनाने वाला हूँ भाई। और ये करता क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जस्ट एक डेमो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। पहले तो यार मुझे खाना चाहिए होगा, खाना मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है, थोड़ा ये ले लेता हूँ। क्या इसमें कुछ बर्गर वगैरह भी बनते हैं। टेस्टी लेवल डिश कीब, ये कीब क्या होता है भाई, ये तो अलग ही चीज है। इसके लिए मुझे वीट चाहिए और बोन मील चाहिए। तो वीट मेरे पास, वीट तो नहीं है मेरे पास, बट बोन मेरे पास है, तो बोन का बोन मील बना लेते हैं। तो वीट मैं नीचे से लेकर के आता हूँ भाई, क्योंकि नीचे बहुत सारा वीट है हमारे घर के आसपास। मैं आपको दिखाता हूँ हमारे घर के आसपास, मतलब हमारे विलेज में ही, देखो वो रहा नीचे वीट। और हाँ ये कहाँ से आ गई भाई, इसको मारना पड़ेगा मुझे मरने से पहले भाई। ये चीज़ मेरे को बहुत अलग लगती है, एक में से अनेक निकल जाते हैं। और मैं मरने से पहले थोड़ा सा फूड खा ही लेता हूँ भाई। भाई सच में ये चीज़ें ना बहुत बिल्कुल निचोड़ देती हैं एकदम। और इनसे हाँ ये रहा पोशन, पोशन ऑफ वाटर ब्रीदिंग 3 मिनट का, मतलब हर बार ये कुछ ना कुछ नया पोशन देते हैं मुझे, ये चीज़ तो चलो सही है वैसे। तो भाई वीट मेरे को यहाँ पे बहुत सारा मिल गया है, शुगर केन हमारा वहाँ पे उग रहा है, मैंने काफ़ी सारा शुगर केन वहाँ पे उगा रखा है,
तो मुझे भाई किसी विलेजर से पेपर की ट्रेड करनी होगी तो डेफिनेटली मेरे को शुगर केन काम आएगा काफ़ी ज़्यादा। बट अभी मैंने अपना फार्म्स नहीं बनाए हैं भाई, फार्म मेरे को बनाने पड़ेंगे और मैं काफ़ी बड़े फार्म बनाने वाला हूँ, तो भाई मेरे को थोड़ा सा वेट करना होगा इस चीज़ के लिए। फ़िलहाल के लिए भाई हमारे गाँव वासियों ने हमारे लिए सुविधा उपलब्ध करवा रखी है फ्री फूड की, तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये देखो यार, ये मतलब ये स्लाइम मेरे को नहीं पता ये स्लाइम्स क्यों आ रहे हैं भाई, कहीं पर भी पैदा हो जाते हैं ये। सही है भाई, उसको तो बाद में देखता हूँ मैं, पहले भाई अपन बनाते हैं फूड जो अभी भी मैंने देखा था वो वाला। इससे बनने जा रहा है भाई हमारा ये वाला फूड काइब। चलो भाई खा के देखेंगे कैसा बनता है, और देखता हूँ मैं वीट से क्या क्या बनता है। तो वीट से भाई क्रेट ऑफ वीट बनती है, ओके मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है इस, और ये थैच भी बनता है भाई, और कॉम्पोस्ट बिन में डालेंगे तो बोन मील मिलेगा, ब्रेड बनती है, केक बनता है और हे बेल बनता है। मतलब ठीक है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बन रही है लेकिन जो बन रहा है ठीक है भाई। तो फूड गाइज हम इसमें रखा करेंगे आज से, बोन मील भी फिर इसी में ही रख देता हूँ मैं, ठीक है भाई। तो इसको टेस्ट करेंगे हम, पहले खाना खाएंगे भाई, मतलब पहले हेल्थ रिकवर करूँगा और देखते हैं कितना टेस्टी है। वैसे इतना भी टेस्टी नहीं है ये जितना मुझे लग रहा था, इससे अच्छा तो मीठी था। तो मतलब भाई हमारा ये वाला खाना तो फेल हो गया है, तो मैं ऐसा करता हूँ एप्पल ले लेता हूँ, मेरे पास एप्पल बहुत सारे पड़े हुए हैं। ठीक है गाइस, तो अब मैं इसको भाई आपको दिखाने वाला हूँ टेस्ट करके एफसी वाउचर को। तो भाई इस वाउचर को यूज़ करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा और मैं होम पे क्लिक करूँगा, मतलब जो भी वे स्टोन मैंने टच किया होगा तो वहाँ पर मैं जा पाऊँगा। तो भाई मैं इस पर क्लिक करूँगा होम पे, तो ये देखो मैं होम पे आ गया और वो एक ही बार यूज़ होता है, ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी भाई। ठीक है भाई, चलो अभी मुझे पता चल गई वो एक ही बार यूज़ होता है, तो मैं अब ध्यान रखूँगा। तो भाई मैं अगर कहीं बाहर वगैरह जाऊँगा तो वो मुझे एक से ज़्यादा लेकर के जाने होंगे, या फिर एक भी काफ़ी है, एक ही काफ़ी है क्योंकि घर पे आने के लिए तो एक ही की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रहा एंडर पर्ल, तो वो एक ही बार यूज़ होगा और मेरी एक एक्सपी ले लेगा, तो ये मुझे नहीं पता था लेकिन चलो ठीक है, इसको हम रखेंगे अपने इन्वेंट्री में भाई। और अब मैं बाहर जा रहा हूँ तो भाई मैं थोड़े पिकैक्स बना करके लेके जाऊँगा, क्या पता अपने वो कहीं पे डायमंड वगैरह मिल जाए। वैसे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि भैया मैं हम कहीं बाहर जाए और मुझे डायमंड पड़े हुए मिल जाए और मैं उनको खोद लूँ, डायमंड तो मुझे केव्स में ही मिलेंगे डेफिनेटली सी बात है। तो भाई हमारा ये कॉपर का आर्मर, चलो वैसे अभी कॉपर का आर्मर ही रखते हैं हम, खैर अभी बड़े आर्मर की हमें ज़रूरत भी नहीं है और हमारे पास है भी नहीं भाई कोई अच्छा आर्मर। तो मैं जाने वाला हूँ गाइस आज थोड़ा वॉन्डरिंग पे बाहर घूमने के लिए और देखने के लिए कि भाई हमारे घर के आसपास है तो आखिर क्या है, क्या पता मुझे कोई विलेज मिल जाए और हो सकता है कि भाई हम वहाँ पे अच्छी सी ट्रेडिंग व्रेडिंग करें भाई। क्योंकि आप लोगों को पता है भाई हमारे विलेजर कितने ओपे, कितनी सस्ती, कितनी बढ़िया ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो बात अलग है कि हमारे पास लूट नहीं है तो हम उनसे ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे अच्छी, बट कहीं और जाएंगे तो अपने को वहाँ पे अच्छी ट्रेडिंग मिल सकती है। और भाई अगर मैं माउंटेन्स में गया तो वहाँ से गोट भी पकड़ के लेके आऊँगा, तो इसमें एक लैसो बनता है, ये रहा गोल्डन लैसो, तो इससे भाई साहब ये तो बहुत एक्सपेंसिव है यार। ठीक है भाई, मतलब ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसको नहीं बना सकते अभी हम। सो गाइस अभी हम कुछ भी पकड़ के नहीं ला सकते भाई कहीं से भी, बट हाँ मैं थोड़ी वॉन्डरिंग तो कर ही सकता हूँ। तो चलो गाइस थोड़ा वॉन्डरिंग करते हैं भाई आसपास, देखते हैं हमारे घर के क्या है। और हाँ ये स्लाइम कुछ ज़्यादा ही आने लग गए, अभी ये देखो अब पर्पल कलर का स्लाइम, ये भाई पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मारते हैं भाई। तो मुझे ऐसा करना चाहिए गाइस, मुझे ना इसमें स्लीपिंग मैट बनते हैं क्या? ओके गाइस इसमें स्लीपिंग मैट बनते हैं भाई, जिसके लिए मुझे वूल चाहिए होगा ठीक, और स्ट्रिंग भी चाहिए होगा। ओके चार स्ट्रिंग से वूल बन जाता है, और क्या वूल से स्ट्रिंग बनता है क्या? सो गाइस हम स्ट्रिंग नहीं बना सकते भाई, हमें स्ट्रिंग के लिए स्पाइडर्स को मारना ही होगा। तो भाई अब रात हो गई है तो ये तो सबसे बेस्ट टाइम है स्पाइडर्स को मारने का, और अगर मुझे भाई कोई शिप मिल जाती है तो डेफिनेटली मैं उसको भी मारूंगा क्योंकि मुझे वूल चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ पहले घर पे मेरे पास कितनी वूल पड़ी है, मेरे पास 5 वूल है, 1 2 3 और मुझे चाहिए 3, तो मतलब वूल का तो काम हो गया हमारा। ठीक है भाई अब मतलब मैं जा सकता हूँ वॉन्डरिंग के लिए, बट अभी रात हो रखी है तो मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर दिन हो जाए तो दिन में जाएंगे हम। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर सो जाता हूँ अगर किसी बेड पर तो दिन हो जाएगा, फिर दिन में चलेंगे हम अपने सफ़र पे। ये क्या पड़ा है भाई,
ओके ये जो आयरन गोलम ने मारा था भाई पर्पल उसको उससे मिला ये। सो गाइस मैं कहीं पर भी जाऊंगा वॉन्डरिंग के लिए तो मेरे पास घर पे आने का एक ही चांस हो और मैं एक डायरेक्शन भी देख लूंगा। ओ भाई यहाँ पे तीन तीन क्रीपर है और मैं गाइस डायरेक्शन भी देख लूंगा कि भाई मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। बाकी ये तीन तीन क्रीपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे सच में गाइस। तो गाइस मेरे सामने तो भाई बहुत बड़ा समुंदर आ गया है तो इसको पार करने के लिए मुझे एक नाव बनानी पड़ेगी। तो गाइस मैं तो भाई स्नो में आ गया हूँ और अभी आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ भाई। मेरे घर के पास एक ओशन मॉन्यूमेंट भी है, मैं घर से ज़्यादा दूर नहीं आया बट यहाँ पे एक ओशन मॉन्यूमेंट है भाई। तो ये चीज़ तो यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये देखो गाइस यहाँ पे ओशन मॉन्यूमेंट है तो भाई इस ओशन मॉन्यूमेंट के कोऑर्डिनेट्स को भाई मैं याद कर लूँगा और यहाँ से निकल लेता हूँ इससे पहले कि भाई यहाँ पे मेरी ठुकाई होनी शुरू हो जाए। तो गाइस ये ओशन मॉन्यूमेंट में आएंगे कभी हम रेड करने के लिए जब अपने को जरूरत पड़ेगा, फिलहाल तो जरूरत नहीं है भाई। और अच्छा हुआ यार अपने को ओशन मॉन्यूमेंट मिल गया, लकी हूँ भाई मैं। ये चंक अपने को बहुत ही बढ़िया सीड मिलेगा इस वैसे देखा जाए तो। ओ भाई ये तो गाइस मैं बहुत ही गलत जगह फंस गया हूँ भाई, चारों तरफ यहाँ पे तो खतरनाक। मैं तो यार स्पाइडर को मारने के लिए आया था उससे स्ट्रिंग लेने के लिए बट मैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह पे फंस गया भाई। ये तो मतलब चारों तरफ मोब्स ही मोब्स हैं यहाँ पे। तो गाइस रात हो गई है और ये भाई साहब जी मेरे सामने गिटार लेकर के आ रहे हैं। व्हाट द गिटार नहीं शायद, ये शायद वायलिन था, ये गिटार नहीं था, लेकिन भाई कुछ भी बोलो ये क्या लेकर के आ रहे हैं भाई मेरे पास। बाकी गाइस रात हो गई है भाई और मुझे स्ट्रिंग्स नहीं मिल पाए तो मैं स्लीपिंग बैग नहीं बना पाया तो मतलब भाई रात ही ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी अपने को अंधेरे में ही, और मॉब्स तो आएंगे ही आएंगे भाई। एक्सलो टूल को फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा टफ है गाइस मतलब। ओके वहाँ पे कुछ है, हाँ वहाँ पे कुछ है। ओके मुझे कुछ सामने दिखा है भाई, एक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा। वेट अ सेकंड, हाँ देखो सामने एक स्ट्रक्चर है भाई, पूरा घर जैसा लग रहा है वो। मैं तो इसको देखने आया था, ये पानी के नीचे लाइट सी जल रही थी ये, और यहाँ पे एक चेस्ट भी है मतलब लूट होगी। और मुझे सामने ये भी दिख गया भाई, नाइस। तो ये चीज़ बढ़िया है भाई, अब मुझे बिना मरे भाई यहाँ पे थोड़ा सर्वाइव करना होगा। अगर इस चेस्ट में मुझे कुछ अच्छा मिल जाए ठीक है भाई, कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है लेकिन जो भी है उठा लो। ओके इसमें भी वही फिशिंग रोड थी भाई, तो दोनों ही चेस्टें लूट लिए मैंने। आई थिंक इसमें दो चेस्टें ही होती हैं और दोनों ही मैंने लूट ली भाई। अब चलते हैं उस साइड, वहाँ पे मुझे एक आयरन गोलम दिख रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे विलेज है। ओ भाई यहाँ पे सामने एक स्कैली भी है, पता नहीं वो मुझे पहुँचने देगा कि नहीं पहुँचने देगा वहाँ तक। मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा घूम के चलता हूँ क्योंकि भाई उसके तीर वीर मुझे पड़े तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है भाई, मतलब बिल्कुल नया सा स्ट्रक्चर लग रहा है, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखा अभी तक इस वर्ल्ड में। तो ऊपर चलते हैं देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है भाई। आई होप यहाँ पे कोई मारने वारने वाला बंदा ना हो, कभी मुझे मार दे यहाँ पे पहुँचने से पहले ही। ओके यहाँ पे तो भाई साहब पूरी मंडली की मंडली है, देख रहे हो आप, विलेजर्स की मंडली है। ओके एडवांसमेंट कम्प्लीट, ये क्या है ट्रेड्समैन, यहाँ पे ट्रेड्समैन है भाई, पता नहीं क्या ट्रेड्समैन। मुझे अंदर जाके एक बेड देखना होगा और उस बेड पे मुझे पहले तो भाई अपना स्लीपिंग जो है वो सेट करना होगा क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता मैं इतनी दूर आके मर जाऊँ। क्योंकि यहाँ पे भाई इतने सारे ट्रेडर्स, ये तो पूरा होल है भाई। और ये क्या ऊपर जाने का रास्ता है, यस ये ऊपर जाने का रास्ता था। और यहाँ पे चेस्टें भी हैं भाई, और ये क्या कोई ट्रैप है किसी तरह का। यहाँ पे बहुत सारे डिस्पेंसर है भाई, और हे बेल हैं, चेस्टें हैं जो कि खाली पड़ी हुई हैं भाई। खाली चेस्टों को क्या करूँगा भाई मैं। और ऊपर जाने का रास्ता है भाई, और मैं देखता हूँ और भी है रास्ता ऊपर जाने का, यस। और ये ओ यहाँ पे एम्बरल्ड है, एप्पल है, ठीक है भाई। और क्या है आसपास, एक चेस्ट और है यहाँ पे भी सेम वही, मतलब खाने का सामान तो हो गया अपना।
बाकी यहाँ पे इतने सारे विलेजर्स भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज बनाई हुई है भाई। होली क्रैप, क्या और भी वो रास्ता है ऊपर जाने का? नहीं, और ऊपर नहीं जा सकते। कि यहाँ पे गैलरी है नीचे देखने के लिए। तो ये एक नया स्ट्रक्चर भाई मिला है मुझे, नाइस। तो यार मेरे पास अगर यहाँ पे वे स्टोन होता तो मैं वे स्टोन लगा देता यार। वे स्टोन बनता कैसे है? ओके, वे स्टोन के लिए एक एम्बरल, एक ऑब्सीडियन। अरे मैं ये वे स्टोन बना सकता था यार। शिट मैन, अगर मुझे एक एंडर अरे मेरे पास ऑब्सीडियन नहीं है, कैसे बनाता यार मैं वे स्टोन। चलो यार वैसे ये जगह बहुत सही है भाई, मतलब बहुत सही से भी एक स्टेप ऊपर है भाई। यहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स है भाई, यहाँ पे मतलब अपने को पूरा का पूरा ट्रेडिंग सेंटर बन सकता है इधर। तो चलो नीचे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या ट्रेडिंग चल रही है भाई। यहाँ पे बैरल भी हैं क्या? ये भी खाली हैं। ओके, ये सारे बैरल खाली पड़े हैं भाई। अब मैं बिल्कुल नीचे आ चुका हूँ भाई, और अब मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ अच्छे तरीके से भाई कौन क्या ट्रेडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स हैं, जिसमें एक है ये सेफर्ड। तो सेफर्ड मुझे वूल के बदले एमरल्ड दे रहा है। नहीं चाहिए भाई, बहुत एक्सपेंसिव है। ओके, मुझे ऑब्सीडियन मिल गया भाई यहाँ पे। मुझे कुछ सामान ढीला करना पड़ेगा अपने इन्वेंट्री से। सामान मुझे बहुत सारा मिल गया, आयरन के बूट और चेस्ट प्लेट। तो भाई मैं ये तो निकालने वाला हूँ। मेक द वेयर इनविजिबिलिटी वाइल स्नीकिंग, ऑल्सो हाइड द वॉर्म आर्मर इक्वेबल एंड कैप ट्रिक स्लॉट। ये भाई क्या चीज मिली है मुझे ये? क्या मैं इनविजिबल हो गया? आई डोंट नो गाइस, मैं क्या इनविजिबल हुआ हूँ भाई। और ये लैक्टन भी उठा लेता हूँ मैं, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। यार मेरे पास बैकपैक है तो मैं कुछ चीजें अपनी बैकपैक में रखता हूँ इम्पोर्टेंट। तो गाइस यार मैंने भाई जो इम्पोर्टेंट चीजें वो उठा लिए यहाँ से, जैसे कि भाई टॉर्च वगैरह, और कुछ यहाँ से एक दो सामान और उठाया वो भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मैं बैकपैक खोल के दिखाता हूँ, जैसे कि मुझे लैक्टन भाई, ऑब्सीडियन और एक एम्ब्रल्ड और ये कुछ चीज़ें मुझे मिली है भाई। ये मैंने यहाँ से उठा ली है। ये मैंने इसलिए उठा लिया क्योंकि ये मेरे को अब मेरे घर पर काम आएंगी भाई, जो कि मतलब सही है एक तरह से भाई। फ्री का माल उठा लो भाई, मिल रहा है तो। अब तो चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं भाई, अपनी नाव रखते हैं, इसमें बैठते हैं और अपना सफ़र वापस जारी रखते हैं। मतलब सही चीज़ थी गाइस ये भी, एक बहुत ही बढ़िया है। मतलब लूट तो मिली अपने को, मगर इतनी ज़्यादा नहीं मिली, मतलब कुछ नई चीज़ें नहीं मिली। बाकी हाँ, ये एक इनविजिबल कैप मेरे को मिला है भाई, जिसका काम है कि मतलब ये इनविजिबल कर देता है। आई डोंट नो कितना इनविजिबल करेगा। बाकी मुझे यहाँ से ग्लो स्क्वाड दिख रही है वहाँ पे नीचे, अगर आप लोग भी देख पा रहे हो तो। देख रहे हो इतनी गहराई में होते क्या ये ग्लो स्क्वाड? मुझे नहीं पता था यार। बाकी गाइज मैं इतना नीचे नहीं जा सकता हूँ भाई, पानी में खाली पीली भाई सांस वांस दम घुटने की वजह से मैं मर भी सकता हूँ, और मैं घर से वैसे ही बहुत दूर हूँ तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। ओके, मेरे को भाई कद्दू मिला है। कद्दू खटेगा भाई सब में बटेगा। तो भाई ये कद्दू भी मिल गया मुझे, यानी कि पंपकिन काम आएगा ये अपने को भाई। इसकी फार्मिंग करेंगे अपन सीड निकाल करके इसका। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्लो स्क्वाड है ना वो इतना ज़्यादा रेयर नहीं है। इसमें जो मेन चीज़ रेयर है ना वो है भाई एक्सलो टूल, मतलब वो बहुत ज़्यादा रेयर है, वो नहीं दिखता यार जल्दी से। उसको ढूंढना मतलब इम्पॉसिबल की तरह ही है, बट वो मिल सकता है। जिस तरीके से रियल लाइफ में एक्सलो टूल बिल्कुल रेयर हो चुके हैं, इसी तरीके से इन्होंने गेम में भी बहुत रेयरली दिया है उसको। मतलब ढूंढना मतलब इतना आसान नहीं है उसको, बहुत मुश्किल है उसको ढूंढना भाई। और उसको पकड़ने के लिए हमें बकेट चाहिए होती है, मतलब बकेट में हम उसको पकड़ सकते हैं। ओके, तो फाइनली गाइस वो टक्कर मारने वाली गोट मेरे को मिल गई है भाई, बट इसको पकड़ नहीं सकते हम और ना इसको घर पे ले जा सकते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको घर तक ले जाए हम। बाकी ये इतना ऊंचा जंप मारा अभी आप लोगों ने देखा। और हाँ, अगर मैं इसके एक जगह पे खड़ा रहा तो ये बहुत ज़्यादा तेज की टक्कर मारती है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, ये एग्रेसिव तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि अगर नो ब्लॉक पे मैं इसके सामने ऐसे खड़ा हो जाऊं तो ये बहुत तेज चार्ज करके टक्कर मारती है। और भाई इसकी टक्कर ना बहुत खतरनाक ही होती है, तो मैं इससे पंगे तो नहीं लूंगा। बाकी भाई अपने को दिखी तो सही वो कम से कम। तो गाइस मैं यहाँ पे भाई ऐसे ही घूम रहा था, तो रात हो चुकी है, तो सबसे पहले तो भाई मैं एक
अपने लिए बना लेता हूँ स्लीपिंग मैट, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे स्पाइडर मिली, मैंने उनको मारा तो मुझे स्ट्रिंग मिल चुका है, तो ये बन गया एक स्लीपिंग मैट। और आप लोगों के लिए दिन में भाई एक सरप्राइज है, सबसे पहले तो मैं सो जाता हूँ भाई, सो के उठ के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई मेरे को एक्चुअली क्या मिला है। तो भाई मैं सो के उठ गया हूँ और यहाँ पे भाई मैं एक क्राफ्टिंग टेबल उठा लेता हूँ, और यहाँ पे वैसे और भी स्पाइडर है बट छोड़ो। तो गाइस सरप्राइज आपके लिए ये है कि भाई मैं ना नीचे से ऊपर आया था ये देखने के लिए, भाई मैंने चंक लोड भी अपना बढ़ाया कि भाई कुछ गांव वगैरह दिख जाए मुझे डेजर्ट का भाई, बट गांव तो दिखा नहीं, बट एक चीज़ ज़रूर दिख गया मुझे, ये देखो गाइस भाई इजिप्ट का पिरामिड, और उसके ऊपर देख रहे हो आप गोल्ड के ब्लॉक है भाई। तो मतलब गाइस ये बहुत ही तगड़ी चीज़ है भाई, तो इसको भाई हम एक्सप्लोर करेंगे, और डेफिनेटली गाइस इसके अंदर अपने को बहुत ही बढ़िया लूट मिलने वाली है, क्योंकि भाई देख रहे हो इसके ऊपर ही दो गोल्ड के ब्लॉक है, तो भाई इसके अंदर क्या क्या होगा। तो भाई ये चीज़ तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा भाई एक्साइटेड कर रही है, क्या मैं इसके अंदर गाइस सर्वाइव कर पाऊँगा, क्या हमें इसके अंदर बहुत तगड़ी लूट मिलेगी, क्या इसमें हमें डायमंड भी मिल सकते हैं भाई। ये चीज़ देखने के लिए भाई आप लोगों को अगला एपिसोड देखना पड़ेगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। एंड यार गाइज हमारा सर्वर लॉन्च हो चुका है, तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो भाई, वहाँ पे आप लोगों को हमारा सर्वर का आईपी और पासवर्ड मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने भाई मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्या चल रहा है मेरी पर्सनल लाइफ में भाई ये चीज़ आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, यस एक्सप्लोर करना है भाई वो इजिप्ट का पिरामिड, तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट, एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।